दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, हमारा आज का व्यंजन है कटहल की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए आज हमने आधा किलो कटहल लिया है और इसके ऐसे टुकड़े काट लिए छोटे छोटे। ये हमने बहुत छोटे कोए का कटहल लिया है, जो कच्चा कटहल होता है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मिल जाए तो आप इसी कटहल का उपयोग करें। इसमें डालने के लिए हमने दो आलू भी लिए हैं, जिनका छिलका उतार के और उसके हमने टुकड़े काट लिए हैं। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 3 मध्यम आकार के प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लगभग 5 कलियाँ लहसुन की और 1 से 1.5 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा। और हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च यानी कि देगी लाल मिर्च। सब्जी में हम कुछ खड़े मसालों का तड़का लगाएंगे, जो इस प्रकार से 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 4-5 लौंग की कलियां और 4 से 5 छोटी इलायची। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम कटहल के टुकड़े डालेंगे। तेज आंच पर कटहल को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे आलू के टुकड़े। आलू को भी तेज आंच पर इसी के साथ साथ 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। आलू और कटहल हल्के से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में लगभग 1.5 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल और डाल दिया है। इसमें अब हम डालेंगे खड़े मसालों का तड़का। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची। आज को अब हम थोड़ी सी धीमी कर देंगे, जिससे कि ये खड़े मसाले जल ना जाए। मसाले हल्के भुन चुके हैं और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है, तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कटी हुई कलियां। इस तरीके से तड़के के साथ लहसुन डाल देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन को भी हम हल्का सा लाल होने देंगे। आज को एक बार फिर से थोड़ी सी तेज कर दी हमने, जिससे कि लहसुन जल्दी से लाल हो जाए। लगभग आधा मिनट हमने लहसुन को भी पका लिया है और अब हमने इसमें डाला है अदरक। अदरक हमने कद्दूकस करके डाला है। आप चाहे तो पीस के भी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। सभी मसालों को तेज आंच पे एक साथ में भुनेंगे। प्याज के हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने का इंतजार करेंगे। लगभग 1-2 मिनट इस तरह से हम इसे भूनेंगे। प्याज हल्की सी भुन चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। आंच को अब हम थोड़ी सी धीमी कर देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे, 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब्जी को एक अच्छा कलर देगी, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर। सभी मसालों को मिला लेंगे अच्छी तरह से और इसे अब हमें भूनना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। 4-5 मिनट में मसाले हल्के भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर के टुकड़े। इसे भी मसालों के साथ मिला लेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से गलने जाते हैं। 2-3 मिनट में टमाटर हल्के से गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटहल और आलू के टुकड़े, जो हमने फ्राई करके रखे हैं। कटहल और आलू को भी मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से चलाते हुए। इन्हें हमने 3-4 मिनट और भून लिया है और अब आप देख सकते हैं कि मसाला तेल छोड़ रहा है। ये देखिए, जब मसाला इस तरह से तेल छोड़ने लगे, इसका मतलब मसाला अच्छा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया बाद में गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे, लेकिन इस वक्त डालेंगे और उसके बाद इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे तो धनिया का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें, जिन्हें हमने लंबा लंबा काट के रखा हुआ है।
हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। पहले मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस तरह से इसे चलाते हुए मिला लेंगे पूरी तरह से। कटहल की सब्ज़ी बनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट तक पकती है और पानी थोड़ा सूख जाता है, इसलिए इसमें हम 2.5 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी हमने पहले डाल दिया है, अब 1.5 गिलास पानी इसमें और डलेगा। 1 गिलास मैंने डाला है और अब मैं और डाल रही हूँ उसमें 1/2 गिलास पानी। बस इतना पानी इसमें काफ़ी है। अच्छी तरह से एक बार पानी में मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और सब्ज़ी को ढक के पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, जब तक ये कटहल गल नहीं जाते हैं और ग्रेवी पूरी तरह से पक नहीं जाती है। तो इसका हम लिड लगा देंगे और आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये लिड खोल रही हूँ। सब्ज़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं इसके सरफेस पे ऑयल आ चुका है। कटहल का एक टुकड़ा मैं हल्का सा काट के देखती हूँ ये गल गया कि नहीं। कटहल भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब ये सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आंच को बंद करने से पहले इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर। इस तरीके से एंड में गरम मसाला पाउडर डालने से सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये सब्ज़ी पूरी तैयार है। इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है कटहल की स्वादिष्ट जायकेदार सब्जी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी कटहल की सब्जी बनानी सीखी होगी और आप इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए मेन्यू के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।